तो डेल इंस्पिरॉन 660, डेल वोस्त्रो 270। बीप साउंड आता है और डिस्प्ले नहीं आता तो उसका क्या सलूशन है? तो आइए अब मैं इसका इस बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ। देखिए ऑन किया, आप देखेंगे यहाँ पे बीप साउंड आएगा कभी या कभी डिस्प्ले आ जाएगा। तो ऐसा भी इशू आता है कभी कभी कभार, या डिस्प्ले नहीं आता है। तो इसमें होता क्या है मैं आपको बताने वाला। देखिए अभी डिस्प्ले नहीं आया, ओके। तो इसका मतलब है, सॉरी वीजीए केबल नहीं लगा, तो वीजीए केबल लगाते हैं एक बार। तो देखिए दोस्तों अभी क्या है, यहाँ पर डिस्प्ले नहीं आ रहा है, वीजीए केबल जो कि लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको डिटेल में बताना चाहूँगा। देखिए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक फ्यूज लगा होता है, ये क्या होता है, ख़राब हो जाता है, जल जाता है, तो भी हमारा जो रैम को सप्लाई नहीं मिल पाता या ये सर्किट कंप्लीट नहीं काम करता है, जिसकी वजह से इस तरह का फ्यूज होता है। तो इसमें आपको करना क्या है, इस तरीके से आपको एक जम्पर लेना है और उसको प्रॉपर तरीके से स्क्रैच करके आपको जम्पर लगा देना है। ओके, फिर जम्पर लगा के आपको ट्राई करना है। एक मिनट, मैं जैसे जम्पर लगा लूँ आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से जम्पर को आपको लगा लेना है, और जम्पर लगाने के बाद फिर आपको ट्राई करना है। और कुछ यूएसबी सेक्शन भी नहीं काम कर रहे हैं, पोर्ट अगर ना काम करें तो आपको क्या करना है, ऐसे अब ऑन करना है बोर्ड को। देखिए यहाँ पे वीजीए केबल लगा हुआ है, और आप देखेंगे कुछ ही क्षणों में हमारा जो डिस्प्ले है यहाँ पे आ जाएगा। देखिए डिस्प्ले आ गया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और जो यूएसबी काम नहीं कर रहा, यूएसबी सेक्शन देखिए, अभी यहाँ पे एक कीबोर्ड में एक लाइट यहाँ पे ग्लो कर रहा है, ये वाला, लेकिन जैसे मैं यहाँ से निकाल के कुछ यहाँ पोर्टों पर लगाऊँगा तो ये काम नहीं करेगा। देखिए ये काम नहीं कर रहा है। तो बताना चाहूँगा कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक जम्पर होता है, देखिए इसको आप निकाल के और सीधा यहाँ पे देखिए जम्पर हुआ, यहाँ पे सीधा स्ट्रेटली जम्पर कर दीजिए, आपका जो यूएसबी सेक्शन भी है वो कम्प्लीटली काम करने लगेगा और आपका मदरबोर्ड रिपेयर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो हेल्पफुल होगी, कोई इश्यू आए तो कमेंट करिए। थैंक यू।